अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, मैं रुबीना, रुबीना किड्स गैलरी में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने बच्चों के अंदर कॉपी और पेंसिल के प्रति इंटरेस्ट कैसे लाएं। आई होप कि आपका बच्चा इससे अटैच हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि हम अपने बच्चों को लाइन बनाना कैसे सिखाएं, क्योंकि बच्चा एक बार अगर लाइन को बनाना सीख लेता है तो उसके लिए कुछ भी लिखना मुश्किल नहीं होता। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। लाइन जो है वो फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन, थर्ड हो गया स्लेटिंग लाइन एंड फोर्थ कर्व लाइन। आप बलून बना के भी इस तरह से डाउन करवा सकती हैं। देखिए, बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाना बहुत ही आसान होता है। बस ये देखिए कि आपका बच्चा बोर ना हो, उसको कलरफुल चीज़ें दिखाइए, उसमें कुछ डिज़ाइन बनाइए और बच्चे से कहिए कि इस तरह से लाइन खींचते हुए वो नीचे की तरह ले आए। अगर स्टार्टिंग में आपके बच्चे से नहीं बन रहा तो आप उसकी हेल्प डॉट बनाकर भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप डॉट को थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं इस तरह से, और बच्चों को ट्रेस करने के लिए दें इस तरह से। जब आपको लगे कि आपका बच्चा ट्रेस करना मतलब सीख रहा है तो थोड़ा सा कम हो, स्टार्टिंग में 5-6 दे, फिर उसके बाद कम कर दे, 3, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद आप सीधी लाइनें बनवा सकती हैं। सेकेंड आता है स्लीपिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन, इसे हम लेटी हुई लाइनें भी कहते हैं। इसके लिए भी आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ भी आप ड्रा करिए और कहिए इसको इस तरह से तिरछा करके आप स्लीपिंग लाइन बनवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप बादल बना दीजिए और इस तरह से कॉपी को तिरछा करिए और बच्चे से कहिए कि आप बारिश की तरह बनाएं। ये क्या हो गया हमारा स्लीपिंग लाइन। नहीं बन रहा तो आप डॉट के थ्रू बनवाइए। अब बच्चों को इन सब की प्रैक्टिस कुछ दिनों तक कराइए। आई होप कि बहुत जल्दी बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लेटिंग लाइन, इसे हम तिरछी लाइनें भी कहते हैं। इसके लिए आप चाहे तो इस तरह से बना के अपने बच्चे से इस तरह से आप करा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट एंड ये हो गया राइट। नहीं बनता तो आप डॉट डॉट करके करा सकती हैं। इस तरह से करिए, एक डॉट यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे भी बच्चा आसानी से ट्रेस करके बना लेगा। स्टार्टिंग में आप डॉट का ही प्रोसेस अपनाइए। डॉट वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे को बस ट्रेस करना रहता है, उसके बाद बच्चा अपने आप ही बनाना सीख जाता है। अब बारी आती है कर्व लाइन की। कर्व लाइन देखने में तो बहुत हार्ड होता है, बट इसे भी हम बच्चे को प्ले के थ्रू बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। कर्व लाइन के लिए हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे और बच्चे से कहेंगे कि वो इस तरह से बनाए, ठीक है। इस तरह से नहीं तो आप इस तरह से आप थोड़ा डॉट बनाइए, और
अपने बच्चों से कहिए को इस पर ट्रेस करें इस तरह से, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, डाउन एंड अप। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी आपको सिखाने में, बट अगर इन सब प्रोसेस को आप अपनाएंगी तो आई होप बहुत ही जल्द आपका बच्चा लाइनों को बनाना सीख जाएगा। और आपको पता ही है कि अगर एक बार बच्चा लाइन को बनाना सीख गया तो आप उसको लिखना भी बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से लिखना भी सिखा सकती हैं, क्योंकि सभी लाइनों का यूज करके ही हम कोई वर्ड या नंबर बनाते हैं। वन बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन हो गया, टू के लिए कर्व, फिर स्लिपिंग लाइन इस तरह से, ए के लिए स्लैटिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन, सी के लिए कर्व, क के लिए भी अगर हमको वर्ड बनाना लिखना हुआ तो एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से कर्व, इस तरह से बनाएंगे स्लिपिंग लाइन। तो ये सब इन लाइनों के थ्रू ही बनता है, इसीलिए बच्चों को पहले लाइन बनाना सिखाइए। कुछ दिन की प्रैक्टिस से बच्चा आपका लिखना बहुत अच्छे से सीख जाएगा। इस तरह से भी बनवाए, इस तरह से भी बनवाए, आप डेली प्रैक्टिस करवाएं बच्चे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।